आज हम बनाएंगे टेस्टी सा नाश्ता ब्रेड और बेसन से। देखिए कितना यम्मी नाश्ता है, एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। चलिए हम बनाते हैं। जिसके लिए हम काट लिए हैं एक टमाटर, हरा मिर्च, प्याज। अब हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। उसके लिए 4 से 5 चम्मच बेसन लेंगे। आपको जितना चाहिए उस हिसाब से बेसन ले सकते हैं। और इस अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। बेसन का घोल तैयार करेंगे। देखिए इसको अच्छे से मिलाइए ताकि इसमें लम्स ना पड़े, पानी डाल के। अब ये बेसिक से मसाले हैं, जिसमें है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा चुटकी भर गर्म मसाला। और पानी डाल के अच्छे से घोल तैयार करेंगे इसका। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तब इसमें हम जो काट के रखे हैं टमाटर, हरा मिर्च और प्याज डाल देंगे। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। पानी डाल के अच्छे से मिलाइए। अभी अच्छा सा बैटर तैयार हो चुका है। अब तवे पे या पैन पे तेल डाल के गरम होने तक, जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तब इस पे हम ब्रेड को कोटिंग करके तवे पे रख देंगे। देखिए अब इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे, हल्के आंच पे। एक तरफ ये सूख चुका है, अब इसको दूसरी तरफ से पलट लेंगे। अब इसको भी सेक लेंगे। देखिए ब्रेड को हम सेक चुके हैं। देखिए कितना टेस्टी नाश्ता तैयार।